सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से बीते 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापन पे किए गए खर्च का हिसाब मांगा है। इस संबंध में कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया। 2 सप्ताह के भीतर इस पर जवाब तलब करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आप सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार जल्द ही प्रदेश के कुंवारों को पेंशन देने की योजना लाने जा रही है। हरियाणा के ऐसे कुंवारे जो किसी न किसी कारण के चलते विवाह नहीं कर सके और अकेले रहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। 3 तलाक का कानून आने के बाद भी यह प्रथा थमते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अटपटे कारणों के चलते 3 तलाक देने की खबरें अक्सर सुर्खियों में जगह बना रही हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है। यहां निकाह के कुछ दिनों बाद ही एक पति ने महज टैक्सी खरीदने के लिए पैसे ना देने पर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इसी के साथ उस शख्स ने बेरहमी से अपनी पत्नी को पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म 72 हुए की आज JNU में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। वैसे तो यह फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन विवेकानंद विचार मंच की तरफ से मंगलवार को स्पेशल स्क्रीनिंग कराई गई। इससे पहले द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। हालांकि इस स्क्रीनिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया और इस दौरान छात्रों ने भारत माता के जय के नारे लगाए। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उन्हें बीते कुछ दिनों में तीसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें एक गंभीर बीमारी है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।